हेर्दै छ हामीलाई अब आँखामै गोची हाल्यो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं सुदीप ब्लॉग। मैं आपके सुदीप रहा, तो स्वागत करता हूँ फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है, मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी, ठीक है। बंगाल सफारी ऐसा जगह है जो यहाँ पर आप लोग जाके बहुत ही मजा पाओगे। ऐसा सुंदर जगह है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को पशु पक्षी भी देखने को मिलेगा, सुंदर एनवायरनमेंट भी है, परिवेश है, ठीक है। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगा, तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और भाई का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना सुदीप ब्लॉग को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मैं क्योंकि बस से जाऊँगा सिलीगुड़ी, फिर सिलीगुड़ी से ऑटो पकड़ के जाऊँगा बंगाल सफारी। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, सिर्फ जितना मज़ा होगा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो चलते हैं, बहुत ही मज़ा होगा आज, तो लेट्स गो। तो हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए, तो सिलीगुड़ी पहुंच के ऑटो पकड़ के अब हम लोग जा रहे हैं सालूगढ़ा, ठीक है। हम लोग को प्राइस लगा है 200 रुपीस, तीन आदमी मिला के हम लोग है। तो चलो चलते हैं, अगर आप बाहर से आते हो तो आपको भी ऐसा प्राइस लगेगा। जितना ज़्यादा लोग होंगे तो उतना कम आप लोगों को प्राइस लगेगा जाने में। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं बंगाल सफारी में। ये बंगाल सफारी का एंट्रेंस है, देखो कितना सुंदर जगह है। तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या मिलता है देखने को। तो टिकट पहले बुक करेंगे, देखता हूँ कितना रुपया टिकट है। तो मुझे तो पता है 200 रुपया। हाँ, यहाँ पर तीन टाइप ऑफ टिकट आप लोगों को मिलता है, 100, 200 एंड 300, ठीक है। एंड टाइम टेबल मुझे पता नहीं है, तो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो पर बने रहो एंड वीडियो देखो। अगर आप बाहर से आते हो तो NGP से आप सालूगढ़ा का कोई टोटो बस पकड़ के आ सकते हो, ठीक है। और अगर सिलीगुड़ी से आप आते हो, सिलीगुड़ी के रहने वाला बस, सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल के इधर हो, तो सिलीगुड़ी से आप टोटो पकड़ के आते हो तो कम भाड़ा लगेगा आप लोगों को। बाहर से आते हो तो ज़्यादा भाड़ा लग सकता है आप लोगों को। देखो कितना अच्छा वेदर है आज, एंड कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, और कितना भीड़ हुआ है। हाँ, देखो चार्ट है बंगाल सफारी का, 100-200। ये टाइमिंग ওখানে দিবে, ওখানে ওটা টিকিটে লেখা আছে। देखो ये पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंडे क्लोज रहता है। तो हम लोगों का टिकट लेना हो चुका है, अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 2:45 बजे हम लोग का बस है, यहाँ पर घुमाएगा बस से। जो टिकट आप लोग देख रहे हो ये बंगाल सफारी का टिकट है, 2:45 से हम लोग का गाड़ी है। यहाँ पर 600 रुपया लगा है हम लोग का टोटल, 200 रुपया करके पर हेड। देखो भाई टॉय ट्रेन, देखो वहाँ पर वॉच टावर। तो यहाँ पर आप लोग कैंटीन मिलेगा खाने के लिए, अगर कुछ खाना है तो यहाँ पर कैंटीन ही मिलेगा, ठीक है। देखो कितना भीड़ है, ये पार्क है छोटा बच्चा के लिए, अच्छा है। ये म्यूजियम है, ठीक है, बंगाल सफारी का। देखो अरे गाचे फल, यहाँ का म्यूजियम है, यहाँ पर बहुत कुछ है आप लोग देख सकते हो। देखो कितना अच्छा डेकोरेशन किया है,
देखो अंदर कितना अच्छा है व्यू। कितना अच्छा व्यू है इधर। ये जो बस आप लोग देख रहे हो, ये बस से हम लोग घूमेंगे बंगाल सफारी में। तो यहाँ पर आप लोग को छोटा सा ब्रिज मिलेगा काट का, ठीक है। देखो कितना सुंदर है ब्रिज। तो आप लोगों को व्यू दिखा था। रुको, मगरमच्छ मगरमच्छ कहाँ है? मगरमच्छ वहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोगों को फाइन देना पड़ेगा 5000 अगर आप कोई स्टोन से थ्रो करते हो क्रोकोडाइल और एलिगेटर को। तो वहाँ पर देखो मुर्गी, देखो पंछी है इधर। ये है बंगाल सफारी का फूड कोर्ट। यहाँ पर आप लोगों को खाने का चीज़ मिल जाएगा। तो चलो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं फिर घूमेंगे। तो हम लोग का बस का टाइम हो चुका है, ठीक है। 2:45 बस छोड़ेगा इधर से, तो टाइम हो चुका है। चलो चलते हैं अंदर बस के अंदर। तो हम लोग का बस आ चुका है। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद बस निकलेगा। तो देखता हूँ क्या क्या देख पाता हूँ। तो गाड़ी छोड़ने के कुछ देर बाद ही हम लोग को दिख गया हिरन। वहाँ पर आप लोग देख रहे हो इतना सुंदर है। तो वहाँ पर आप लोग देखो हिरन का ग्रुप है, हिरन का झुंड वहाँ पर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हिरन ही है, बहुत ही सुंदर है। देखो कितना है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल गया राइनोसोरस, गेंडा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मिल गया पिकॉक। तो यहाँ पर आप लोगों को 3-4 गेट क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को लेपर्ड, फिर टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड जो बियर है सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दूसरा गेट। सामने आप लोग देख रहे हो एक लेपर्ड जा रहा है, आप लोग दिखाता हूँ। तो कुछ देर बाद और एक लेपर्ड हम लोग को दिख गया, यहाँ पर बैठा है सामने। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, देखो बैठा है सामने चुपचाप। तो सामने हम लोग को मिल गया रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। देखो आप लोग एक अनोखा चीज, अनोखा प्राणी जिसको देखने के लिए सब लोग वेट करता है। देखो तो अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और एक गेट जहाँ पर भालू है। तो चलो आप लोग को भालू दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग को भालू दिख गया है। वहाँ पर देखो साइड में लेटा हुआ है, और भी है 2-3, ठीक है। हम लोग सामने देखो एक उधर सीधा सीधी, देखो एक भालू टहल रहा है। तो लास्ट एनिमल यहाँ पर एलिफेंट, हाथी भी दिख गया है। यहाँ पर हाथी का सवारी भी होता है, ठीक है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज है 300 रुपीज़।
तो फाइनली हम लोग का बंगाल सफरी करना हो चुका है। तो अब हम लोग इधर से कहाँ जाएंगे वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चले जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। না আফসোস কি এখানে আসার পরেও আপনার একটা আফসোস শুনছি, ঠিক আছে। খালি জুরাসিক পার্কে আসছিলাম, ডাইনোসর দেখতে পারলাম না। কেন আপনি ডাইনোসর দেখতে আসছিলেন এখানে? ডাইনোসরটা যদি থাকতো ভালো হতো। আর বাঘটা কেমন ছিল? বাঘটা ঠিকই ছিল, বাঘটা দুর্বল ছিল না একটা? হ্যাঁ, বাঘটা ওকে পিডিয়াশিওর খাওয়াই। দাদা আপনার কেমন লাগলো ঘুরে? সবই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু ভাবছিলাম আশা করছিলাম যে হচ্ছে ডাইনোসর দেখতে পারবো, কিন্তু এটা পারলাম না। সত্যি দেখতে হলো, ডাইনোসরটা দেখলে ভালো হতো। তাহলে আপনারা দুঃখিত ডাইনোসরের জন্য? না দুঃখ না, বাঘ দেখছি। বাঘ ওটা বাঘ তো খুব ভালো, ছেলে বাঘ দেখছি। ও ঠিক আছে, মেয়ে বাঘ দেখছি। আপনাদের ফিডব্যাক নেওয়া হয়ে গেছে। তো अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो ब्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो अच्छे रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और भाई को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना भाई का चैनल सुदीप ब्लॉग को। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो टाटा, गुड बाय।